कर्नाटक में वोटिंग से पहले कांग्रेस को चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है। सोनिया गांधी के हवाले से कांग्रेस के संप्रभुता वाले ट्वीट पर आयोग ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से जवाब मांगा है। कांग्रेस के सोनिया गांधी वाले ट्वीट पर अब चुनाव आयोग का नोटिस भी आ गया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे नोटिस में पूछा है, ट्वीट में सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान का क्या मतलब है। कांग्रेस के इस ट्वीट में सोनिया गांधी के हवाले से लिखा गया था कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की ख्याति, संप्रभुता या एकता को जोखिम में डालने नहीं देगी। कांग्रेस के इस ट्वीट को पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में बड़ा मुद्दा बना दिया। मैसूर की रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है। कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। आज तक से बातचीत में देश के गृह मंत्री ने भी कांग्रेस के ट्वीट पर हैरानी जताई। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने इसे मुद्दे से भटकाने की चाल बताया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए राज्यों के सार्वभौमत्व को सुरक्षा करेंगे। जो ट्वीट मैंने देखा है वो ट्वीट का तो यही निकलता है। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए। बीजेपी सिर्फ चुनावी प्रचार में हमले तक नहीं रुकी बल्कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करती। आज तक ब्यूरो।